नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अब तक की बड़ी खबर आ रही है जहां पर शामली से शाहरुख गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस कर्मी पर तानी थी पिस्टल। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। और दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ना छोड़े तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें नो सर। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस कर्मी पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश शुरू हो चुकी है। दिल्ली हिंसा के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में एक शख्स ने 8 राउंड फायरिंग की थी। इस शख्स ने फायरिंग के दौरान एक पुलिस कर्मी पर पिस्टल भी तान दिया था। फायरिंग करते हुए शख्स फिर भीड़ में गायब हो गया था। इस शख्स की पहचान शाहरुख के रूप में हुई थी। दिल्ली पुलिस कई दिनों से शाहरुख की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा था कि वह दिल्ली के थाना उस्मानपुर का रहने वाला है, लेकिन घटना के बाद से ही वह अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम उसकी तलाश में लगी थी। क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि शाहरुख शामली में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही शाहरुख के मददगारों की भी तलाश शुरू हो चुकी है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तानी थी। दीपक दहिया ने खास बातचीत में कहा था कि शख्स सामने से फायरिंग करते हुए आ रहा था, दूसरे लोग उसकी फायरिंग की जद में ना आ जाए इसके लिए उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया। जान जोखिम में डालने के सवाल पर हेड कांस्टेबल दीपक दहिया ने कहा था कि सबसे पहले तो हमें हमारे पब्लिक की जान बचानी है, हमें तो लग जाएगी यह तो बाद की बात है, पहले तो जिनके लिए नौकरी कर रहे हैं वे जरूरी हैं। तो दोस्तों आप हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के दरिया दिली के लिए क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और दिल्ली पुलिस की इस बड़ी कामयाबी को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संसद भवन में हड़कंप। बैरियर से टकराई बीजेपी सांसद की कार, अलर्ट हुए सुरक्षा कर्मी। दरअसल दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित प्रतिष्ठानों में से एक संसद भवन में मंगलवार को हड़कंप मच गया है। अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगे, फिर सभी सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो गए और सब ने मोर्चा संभाल लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की गाड़ी को संसद के गेट नंबर 1 पर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इससे संसद भवन की सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की गाड़ी मुख्य गेट से अंदर आई तो पीछे से आ रही गाड़ी ने बैरियर में टक्कर मारी। इसके बाद अलार्म एक्टिव हो गया और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। इस बीच गेट के पास लगे लोहे के ऑटोमेटिक बैरिकेड्स निकल गए, उसकी वजह से विनोद सोनकर की गाड़ी पंक्चर हो गई। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने जांच पड़ताल करने के बाद कार को अंदर आने दिया। खास बात यह है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सरीखे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन आने वाले थे। इस वजह से संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कार की टक्कर के बाद पूरा संसद भवन अलर्ट मोड पर आ गया था और हर जगह सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। तो दोस्तों अनजाने में ही सही, लेकिन इन चीजों से पता लगता है कि सिक्योरिटी कितनी कड़ी है हमारे दिल्ली की बीजेपी सरकार में। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सपा नेतृत्व से खफा है आजम खान, कहा सही से साथ खड़ी नहीं हुई पार्टी। दरअसल दोस्तों जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पार्टी नेतृत्व के रवैये से खफा है। आजम खान को लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जेल में मुलाकात करने के बाद आजम खान के एक रिश्तेदार ने यह दावा किया। जेल में मुलाकात के बाद आजम खान के रिश्तेदार जमीर अहमद खान के मीडिया से बातचीत में बताया, आजम खान को लगता है कि जब यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विभिन्न मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज किए तो पार्टी साथ खड़े होने में नाकाम रही। वह बहुत नाराज दिखे और जेल में मिलने के लिए आ रहे सपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने दिल्ली हिंसा को बताया नरसंहार, तो बोले बाबुल सुप्रियो उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा सरकार प्रायोजित जनसंहार थी। इस पर बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता को नरसंहार का मतलब नहीं मालूम, उन्हें ऐसे आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। साथ ही दोस्तों
दोस्तों बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा उन्हें जनसंहार का अर्थ नहीं मालूम है और उन्हें ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए। सुप्रियो ने कहा कि दिल्ली में शांति लौट आई है और बनर्जी को भड़काऊ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सुप्रियो ने कहा कि यदि ममता के पास कोई सुझाव है तो उन्हें अमित शाह से मिलना चाहिए। दोस्तों क्या आप भी बाबुल सुप्रियो की बातों से सहमत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी छोड़ेंगी सोशल मीडिया, बोली अपने नेता को फॉलो करूंगी। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया छोड़ने के संकेत देकर हलचल मचा दी है। इस बीच अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी कुछ ऐसा ही कह डाला। उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है कि कभी कभी छोटा सा फैसला आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है, मैं अपने नेताओं को फॉलो करूंगी। बता दें कि बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। पीएम ने कहा इस रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं। इसके बारे में आगे बताएंगे। पीएम मोदी ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्वीट हैरान करने वाला है क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय रहते हैं। इनके जरिए वे प्रभावशाली तरीके से सरकार के नीतियों के बारे में बताते रहते हैं। उधर पीएम मोदी की तरफ से सोशल मीडिया रविवार को छोड़ने के फैसले के बाद लोगों ने इस पर अलग अलग रिएक्शन दिए। कुछ लोगों ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर उनसे ऐसा ना करने की गुजारिश की तो कुछ लोगों ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि वे उनकी वजह से ट्विटर पर आए हैं। इसी से जुड़ी अगली न्यूज हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्विटर के टॉप ट्रेंड में छाए हैं प्रधानमंत्री मोदी, लोग कह रहे हैं नो सर। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया छोड़ने के विचार पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों ने उनसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने का अनुरोध किया है और इस दौरान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर नो सर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल दोस्तों कुछ ही मिनटों में ट्विटर पर नो सर ट्रेंड करने लगा और लोग प्रधानमंत्री के इस विचार पर कहीं चौंकते तो कहीं भ्रम में दिखे। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों ने उनसे सोशल मीडिया नहीं छोड़ने का अनुरोध किया है। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, मोदी जी पूरी दुनिया में लोग आपसे प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन नो सर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सोशल मीडिया को छोड़कर नहीं जाइएगा। तो दोस्तों क्या आप भी ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया को छोड़कर ना जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नो सर लिख के बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पत्नी ने पति की खोली पोल, कहा पति जबरन सीएए के खिलाफ धरने पर भेजता था। दरअसल दोस्तों अलीगढ़ में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे जबरन सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजता है। अलीगढ़ में पुलिस लोगों को समझा रही है कि वे अनावश्यक रूप से सीएए के खिलाफ धरने में शामिल ना हो। इस दौरान जब पुलिस अलीगढ़ में एक घर में पहुंची तो महिला अपने पति पर बरस पड़ी। महिला ने कहा कि एक सप्ताह से उसका पति सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जबरन भेजता था। महिला ने कहा कि वो झूठ नहीं बोल रही है। पुलिस के सामने महिला ने कहा रोज खाना खाते हैं, कहते हैं वहां धरने लग रहे हैं, चली जाओ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, इन्होंने एक हफ्ते से मेरी जान खा रखी है। बता दें कि अलीगढ़ में सीएए और एनआरसी के विरोध में जीवनगढ़ बाईपास के पास चल रहे धरने को प्रशासन ने 2 दिन पहले हटा दिया था। प्रशासन को जानकारी मिली कि सिविल लाइसेंस और क्वारसी थाना क्षेत्र में कुछ लोग महिलाओं को अनूप शहर चुंगी पर धरने के लिए उकसा रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि क्या इसी तरह का कुछ, तो दोस्तों क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को उनके पति उनको जबरन फोर्स करते हैं धरने पर बैठने के लिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपके आसपास में भी ऐसा होता है तो आप हमें जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कपिल मिश्रा ने आप पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर किया बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। कहा अंकित शर्मा की हत्या वाले दिन आम आदमी पार्षद ताहिर हुसैन अपने घर पर ही था। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने आज फिर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मिश्रा ने कहा कि दिल्ली हिंसा के दौरान जिस दिन आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई उस दिन आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन अपने घर पर ही था। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन के कॉल रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आरोप है कि ताहिर की घर में ना होने वाली बात झूठी है और आप नेता संजय सिंह भी उनका साथ दे रहे थे। कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि ताहिर हुसैन के कॉल रिकॉर्ड सारे मीडिया के पास हैं। अंकित शर्मा की हत्या वाले दिन वह घर पर ही था। ताहिर ने भी झूठ बोला और संजय सिंह ने भी। दंगों और हत्या के बीच ताहिर हुसैन ने संजय सिंह, केजरीवाल और अमानतुल्ला खान से 50 से ज्यादा बार बात की, लेकिन मीडिया फिर भी सन्नाटा क्यों? इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि उन दंगे की चोट पर कह रहा हूं, अगर दंगों के दिनों
कि ताहिर हुसैन के फोन के कॉल्स डिटेल्स खुल गई तो दंगों में और अंकित शर्मा के हत्या में संजय सिंह और केजरीवाल दोनों की भूमिका सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप भी कपिल मिश्रा के बातों का पूर्णतः समर्थन करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपको क्या लगता है कि अपराधी कौन है आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में लिख के जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।